नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, हमारे गार्डन में जो हम गमले में ग्रो बैग में खेती कर रहे होते हैं, सब्जियां या फल फ्रूट उगा रहे होते हैं, तो अक्सर हमें ये समस्या आती है, आप सभी के साथ आती होगी, कि चींटियां जो हैं, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको नज़दीक से, कि चाल देती हैं मिट्टी को, उसमें घर बना लेती हैं और मिट्टी की जो उपजाऊपन होती है उसको ख़त्म कर देती हैं और साथ में जो रूट्स होती हैं हमारे पौधों की उनको भी ख़राब कर देती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो अक्सर हम सभी को झेलनी पड़ती है। तो इनसे कैसे बचना है, क्या उपाय है, तो मैं 2-3 तरीके आपको बताऊँगा वीडियो में कि क्या तरीका है जिससे हम इन चींटियों से बच सकते हैं। और इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा ये हमारे पौधे पे एक भी फल इनकी वजह से नहीं आ पाते हैं। एक तो ये रूट को डैमेज करती हैं मिट्टी के अंदर, उसके बाद ये पौधों पे आती हैं तो जो मिली बग्स होते हैं वो इन्हीं चींटियों की वजह से ही बहुत ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि वो खुद कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, ये उनके अंडों को दूसरी जगहों तक पहुँचाते हैं, तो इन चींटियों की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो इनसे बचने के 3-4 उपाय मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है मैं अपना आ रहा हूं और आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखें, अगर फ़ायदा आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, ये जो हम कपड़े धुलते हैं हमारे यहाँ, तो जो सर्फ़ का या साबुन का पानी होता है डिटर्जेंट का, उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास चूंकि अभी तत्काल में वाटर ऐसा कोई पानी है नहीं जो वेस्ट हो, तो मैं देखिए मैंने 2 चम्मच सरफ लिया हुआ है और उसको मैं पानी में घोल लूँगा। आप चाहें तो इस तरह घोल के भी बना सकते हैं, या फिर जो कपड़े धुलने के बाद पानी वेस्ट होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा क्षारीय बना देता है मिट्टी को, जिससे कि चींटियां इसकी वजह से भाग जाती हैं आपके पौधों के मिट्टी से। तो इस प्रकार देखिए मैंने इसे घोल लिया है और इस पानी को, इस लिक्विड को आप डायरेक्ट अपने पौधों की मिट्टी में जहां चींटियां लग रही हैं वहां दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने इसको घोल लिया अच्छे से, और घोलने के बाद इस पानी को देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इसको नहीं यूज करना है, वरना ये पौधे को नुकसान भी करेगा, बहुत ज़्यादा पीएच वैल्यू बढ़ाकर क्षारीय नहीं बनाना है। तो देखिए जो चींटियाँ लग रही हैं, मैं आपको दिखाऊं नज़दीक से ज़रा, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने इस मिट्टी को पानी को जहाँ चींटियाँ आपको दिखाई दें या जहाँ आपकी मिट्टी में चींटी काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप इस लिक्विड को डिटर्जेंट वाले ज़रूर दे दें। एक बार देने की वजह से होगा, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, चींटियों का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं, इसको देने से आपको चींटियों से काफ़ी राहत मिलेगी। इस प्रकार देखिए जहाँ जहाँ मुझे चींटियों की परेशानियाँ दिख रही हैं मैं वहाँ वहाँ तक दे दे रहा हूँ, और थोड़ी मात्रा इसकी ऐसी रखनी है, ये चूँकि 18 इंच का ग्रो बैग है, मैं इसमें देखिए करीब 2 लीटर के आसपास इसको यूज कर रहा हूँ। तो जो चींटियाँ होंगी थोड़ी नीचे तक, वो नीचे के ड्रेनेज होल के रास्ते चींटियाँ जाती हैं, तो ये चींटियों को भगाने में काफ़ी मददगार है। तो इसकी वजह से देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये मेरा पपीता का पौधा है और अभी काफ़ी छोटा है, और इसको देखिए आपने चींटियों ने कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज किया हुआ है, देखिए काफ़ी ज़्यादा लार्वा फैल चुका है और चिपचिप चिपचिप कर रहा है ये, तो इन सबको हटाने का ये पहला तरीका है। दोस्तों, हम दूसरे तरीके पे बात करें, तो ये जो डिटर्जेंट का लिक्विड हमने बना रखा है, तो इसको दूसरे तरीके में हम बात करें तो इसको आप स्प्रे बोतल में भर के अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि जो पौधों पर या टहनियों पर जो चींटियाँ घूम रही हैं वो भी भाग जाएंगी वहाँ से। तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स पर जिसपे चींटियों की मात्रा आपको अधिक दिखाई दे, या फिर मिली वक्स जिसपे आपको दिखाई देते हैं उस पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता होगा कि एक लक्ष्मण रेखा नाम से आती है चौक, जिसको कि हम चींटियों को भगाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो आपका पॉट है या फिर जो भी ग्रो बैग है इस पर देखिए इस प्रकार से हमने इसे चारों तरफ से खींच देना है ताकि चींटियां इस रास्ते से वापस से आ ना पाएं, यहाँ पे खींच देना है, और जो नीचे ड्रेनेज होल के रास्ते चींटियां जाती हैं तो जहाँ भी आप गमले को रखें उसके भी किनारे किनारे चारों तरफ से हमने इस प्रकार से एक सर्किल बना देना है, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर से गमले पर नहीं चढ़ती हैं चींटियां, यहाँ से नहीं जा पाती हैं मिट्टी में, तो जो ड्रेनेज होल होता है उस रास्ते से भी चींटियां निकल आती हैं। तो इस प्रकार से हमें
जैसे हम ग्रो बैग पे ले रहे हैं तो हम इसके बॉटम पे जहाँ ड्रेनेज होल, जहाँ जहाँ ड्रेनेज होल होता है वहाँ वहाँ अगर हम इसको लगा देंगे तो वहाँ से फिर चींटियाँ ऊपर नहीं आ पाएंगी। तो इस प्रकार आप इस चॉक की मदद से भी इसको चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने चौथे तरीके की, जिससे कि चींटियों को हम कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों चौथा तरीका बहुत ही आसान है। आप हल्दी, सभी घरों में यूज होती है, आप हल्दी ले लीजिए, नॉर्मल हल्दी जो भी आप घर में यूज करते हैं इसको ले लीजिए, और जो भी आपका प्लांट है जिसमें चींटियाँ आपको अधिक दिखाई दे रही हैं उसके चारों तरफ इसका हल्का छिड़काव कर दीजिए। हल्दी में आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा फंगीसाइड भी है, और ये चींटियाँ इससे जो है काफ़ी दूर होती हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप मिट्टी में भी गुड़ाई करके मिला सकते हैं इसको, और ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका जो है छिड़काव अपने पौधों की ये पत्तियों पे देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो पौधों पे जहाँ जहाँ ये हल्दी रहेगा आपका, हल्दी पाउडर, तो चींटियाँ वहाँ भी आपके पौधों पर नहीं जाएंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही सस्ता उपाय है चींटियों को भगाने का अपने गार्डन से। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ, कुछ दो चार ग्रो बैग्स हैं जिनमें चींटियाँ भी हैं, तो उनमें मैं फिर से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, पर मात्रा ध्यान रखनी है कि मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि सर्फ या साबुन के पानी की घोल अगर आप डालते हैं अपने ग्रो बैग में तो वो पीएच वैल्यू अगर बढ़ा देगा तो आपके पौधों को नुकसान पहुँच सकता है। तो आप हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार ही यूज करें, और बड़ा ग्रो बैग है तो 1 से 1.5 लीटर आप यूज कर सकते हैं, छोटा है तो मात्रा कम रखें और उसकी थोड़ी गुड़ाई कर दें, और जो मैंने आपको लक्ष्मण रेखा बताई है उसको ज़रूर खींच दें, ताकि एक बार चींटियाँ निकल जाएँ तो दोबारा फिर उस गमले में ना आएँ। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।